गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, हम लोग जो है वो अपना पहला चैप्टर पढ़ रहे थे 10th का, लाइट। और लाइट में हम लोगों ने जो है वो रिफ्लेक्शन तक पढ़ा था। रिफ्लेक्शन में मैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बता रहा था, और मैंने ये कहा था कि रिफ्लेक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो रेगुलर बताया था हमने रिफ्लेक्शन, और एक बताया था इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहले रेगुलर देख ले रहे हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो, एक बात याद रखेंगे हमेशा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होगा वो हमेशा एक स्मूथ सरफेस से या रेगुलर सरफेस से होगा। कहा यह जाता है, आप लोगों को बताया जाता है 10th में, कि भाई अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही, इंसिडेंट रे पैरेलल है अगर एक दूसरे के, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी ये रेज एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी। अगर ऐसा होता है तो ये रिफ्लेक्शन रेगुलर है, और ऐसा नहीं होता है तो ये रिफ्लेक्शन रेगुलर नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है ये बात भी तो आनी चाहिए ना। हाँ देखो, नॉर्मल जो है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है उस सरफेस के। तो हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया बेटा, ये अब ये वाला जो नॉर्मल होगा वो भी, और ये जो नॉर्मल होगा वो भी। अब ये जो रेज आ रही है पैरेलल एक दूसरे के, मान लो अगर ये जो एंगल है वो आई बना रही है, तो ये भी कितना आई, मतलब आई तो आप लेते ही आ रहे हो, इस एंगल को आप लोग मान लो थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा बेटा? थीटा। और ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा सबका वो सेम होगा। ठीक, फिर जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो ये जो बनाएगी नॉर्मल के साथ वो जितना ये बनाएगी उतना ये बनाएगी और उतना ही ये बनाएगी। तो मतलब समझ में ये आया कि भाई जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट है वो क्या रहेंगी? पैरेलल रहेंगी। अगर रिफ्लेक्शन कैसा होगा? रेगुलर होगा। अब बात हम इरेगुलर वाले की भी कर ले रहे हैं कि इरेगुलर में क्या होगा। देखो साहब, इरेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी हम बोलते हैं इसको, वो क्या होता है देखते हैं। देखो, याद रखेंगे कि जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा वो किसी इरेगुलर सरफेस से होगा या रफ सरफेस से होगा। इसमें होता क्या है कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट्स ये जो आ रही है, अगर मैं पैरेलल नहीं भी ड्रॉ कर पा रहा हूं तो भावनाओं को समझना कि ये पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो क्या हो जाएंगी? वो नॉन पैरेलल हो जाएंगी, ऐसे। ठीक है, ऐसे हो। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही थी यानी इंसिडेंट रे, वो क्या हो गई? वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो गई भाई? वो रिफ्लेक्ट होने के बाद नॉन पैरेलल हो गई। कब? जब रिफ्लेक्शन कैसा है बेटा? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है यहां पर, क्या? देखो, अगर मैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करूं तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में यहां पर इंसिडेंट रे आ रही है। ठीक, तो देखो, मान लो ये कोई सरफेस ही है ऐसे, और ये मुझे यहां पर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को क्या दे रहा हूं मैं, ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करना चाहता हूं तो उसके लिए क्या करूंगा? एक तो मैं पहले यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और फिर उसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। मतलब ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये नॉर्मल हो गया। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसके लिए नॉर्मल मान लो ये है, इसके लिए जो नॉर्मल होगा बेटा वो ये है, यहां शायद दिखाई दे रहा हो आपको, इसके लिए जो नॉर्मल है वो ये है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा हर केस में। इस केस में जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, इस केस में जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, इसी तरह से इस केस में जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। हाँ, एक चीज है कि तीनों ही केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि तीनों ही केस में जो नॉर्मल होगा बेटा वो नॉर्मल क्या होगा? वो अलग अलग होगा। देखो, यहां पर ऐसे नॉर्मल आएगा, अगर मैं इस सरफेस की बात करूं यहां पर ये मान लो, तो इस सरफेस पर नॉर्मल ऐसे, तो नॉर्मल तीनों में अलग अलग होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी अलग अलग होगा। अब इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली इसमें वो क्या है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड
फॉर बोथ रेगुलर एज वेल एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों ही रिफ्लेक्शन में वैलिड होंगे, चाहे वो हमारा रेगुलर हो या वो हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो। बात क्लियर है? ठीक। अब ये बात तो सब रिफ्लेक्शन के बारे में हो गई। अब मुझसे एक सवाल अगर किया जाए, क्या कि हाउ डू वी सी एन ऑब्जेक्ट, हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, क्यों दिखता है हमें वो? आप कहोगे आंखों से दिखता है। नहीं, आंखों से तो दिखता है, लेकिन उसके पीछे वजह क्या है, क्यों दिख रहा है? देखो एक बात समझते हैं, जरा सा एक एग्जांपल लेते हैं हम और समझने की कोशिश करते हैं। ये एक आदमी है, ठीक, ये इसकी आंखें प्यारी प्यारी। अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब होगा क्या कि यहां पर एक बल्ब है, सही, बल्ब से रेज ऑफ लाइट आ रही है, साहब निकल के ये रेज ऑफ लाइट आई, यहां पर रेज ऑफ लाइट आकर के स्ट्राइक करी, रिफ्लेक्ट होकर के आदमी की आंखों में गई, ठीक, बहुत अच्छी बात। रेज ऑफ लाइट आई, रिफ्लेक्ट होकर के आदमी की आंखों में गई, इस आदमी को ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। मैं इस ऑब्जेक्ट का दूसरा कलर बना दे रहा हूं ताकि यहां आपको लगे कि ये ऐसा है कुछ। तो पता ये लगा कि ये ऑब्जेक्ट इस आदमी को विजिबल इसलिए हो रहा है कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर के इसकी आंखों में आ रही है। तो मैं कहूंगा देखने का एक रीजन जो हुआ, वो पहला रीजन तो ये है, क्या रिफ्लेक्शन। मतलब आपसे कोई पूछे कि आप ऑब्जेक्ट को कैसे देखते, तो आप कहोगे एक रीजन तो उसका रिफ्लेक्शन है, दूसरी बात क्या है, ये कोई बल्ब था, है ना। अब एक बार ये भी समझो जरा कि यार कुछ रेज ऑफ लाइट डायरेक्ट बल्ब से भी तो इसकी आंखों में आ रही होंगी ना, इसकी ये आंखों में आ रही बल्ब से, तो इस आदमी को ये ऑब्जेक्ट भी दिखाई दे रहा है और बल्ब भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, बल्ब से जो रे ऑफ लाइट आ रही है उसमें तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है ना, हाँ उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। मतलब समझ में आया कि इस आदमी को ये बल्ब भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बल्ब दिखाई देने में कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, डायरेक्ट रे ऑफ लाइट इसकी आंखों में आ रही है, कहां से, बल्ब से। तो जो डायरेक्ट रेज ऑफ लाइट आ रही है इसको मैं बोलूंगा क्या, कि जो रेज ऑफ लाइट निकाल रहा है बल्ब, इसको बोलते हैं हम क्या बेटा, रेडिएशन। क्या बोलते हैं, ठीक, रेडिएशन मतलब एनर्जी है, मैंने बोला था ना लाइट क्या है, एनर्जी है। तो ये रेडिएशन जिसकी आंखों में आ रहा है तो इसको ये बल्ब दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं है ना इसमें, रिफ्लेक्शन किस में, ये लाइट इस पे पड़ी और ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के इसकी आंखों में आई, तब आपको कहोगे कि ऑब्जेक्ट मुझे इसलिए विजिबल है क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या है कि आपको बल्ब भी तो दिखाई दे रहा होगा ना, हाँ तो बल्ब भी दिखाई दे रहा है, मतलब क्या बेटा कि वो जो डायरेक्ट रेज ऑफ लाइट इसकी आंखों में पड़ रही है इस वजह से दिखाई दे रहा है। तो मतलब दूसरा रीजन क्या है, रेडिएशन है, ठीक। तो एक रीजन क्या आया, रिफ्लेक्शन, दूसरा रीजन क्या आया, रेडिएशन। रेडिएशन मतलब वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, जैसे कि सन है, मैं अगर देखूं तो मुझे मान लो ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि रेज ऑफ लाइट इस बल्ब से यहां पड़ रही है और फिर मेरी आंखों में आ रही है, तो दिखाई दे रहा है। रीजन क्या है, रिफ्लेक्शन। हाँ, मुझे बल्ब भी दिखाई दे रहा है, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है, पीछे लग रहा है, तो वो बल्ब से डायरेक्ट रेज मेरी आंखों में आ रही है, उसका रीजन क्या है, रेडिएशन। तो दो रीजन हम लोगों ने पढ़े, रिफ्लेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। चलो भाई, अब मैं ये कहता हूं कि जो कलर दिखाई देता है, कलर क्यों दिखाई देता है किसी ऑब्जेक्ट का, ये अगर आपसे पूछ ले कोई, तो देखो होता यह है कि जो व्हाइट लाइट होती है इस व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं ऐसा माना जाता है, ठीक है। कितने, 7 कलर्स, जिसे पढ़ा भी होगा शायद आप लोगों ने विद की ओर, ठीक है। अब मान लो ये व्हाइट लाइट इस बोर्ड पर पड़ रही है, आपको बोर्ड कैसा दिखाई दे रहा है, ग्रीन दिखाई दे रहा है, तो जो बोर्ड दिखाई दे रहा है वो ग्रीन क्यों दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बाकी सारी लाइट को अब्सॉर्ब कर ले रहा है अपने अंदर, और किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है।
तो ये आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है। अगर कोई आपको मान लो मेरी ये शर्ट में ये ब्लू दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो बाकी सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और ब्लू को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। तो जो कलर दिखाई देता है वो किसकी वजह से दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन की वजह से। जो लाइट को वो क्या कर देता है बेटा, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक। अब अगर मैं बात करूं कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक है, तो ब्लैक क्या करता है, ब्लैक किसी कलर को रिफ्लेक्ट ही नहीं करता है। ब्लैक क्या करता है, ब्लैक सारे कलर को क्या कर देता है, अब्सॉर्ब कर लेता है, अब्सॉर्ब ऑल कलर्स। इसीलिए वो कैसा दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। तो ब्लैक बॉडी की खास बात होती है कि वो सारे के सारे कलर को क्या कर लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है, जो भी लाइट उसके ऊपर पड़ती है उसको अब्सॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो समझ में ये आया कि जो कलर है वो किसकी वजह से दिखाई दे रहा है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई दे रहा है। मतलब जो भी कलर वो रिफ्लेक्ट करेगा वो आपको दिखाई देगा उन 7 कलर्स में से, ठीक है। अगर सारे के सारे रिफ्लेक्ट कर देगा तो आपको व्हाइट लाइट दिखाई देगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अगर ऑप्टिक्स की, मतलब जो लाइट हम पढ़ रहे हैं उसकी, तो उसमें एक टर्म आता है, बार बार एक टर्म आता है, क्या, ऑब्जेक्ट। क्या आता है, ऑब्जेक्ट एक टर्म आता है बार बार, तो ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है ये आपको जरा सा समझना है, ठीक है। ऑप्टिक्स में हम कहते हैं इट इज एनीथिंग, या कह देते हैं आपको लिखा हुआ मिलेगा बहुत सारी बुक में इट इज अ पॉइंट, या मैं कह रहा हूं इट इज एनीथिंग विच डाइवर्जेस लाइट, विच डाइवर्जेस लाइट। अब ये लाइट जरूरी नहीं है कि इसी की हो, ये किसी और की भी हो सकती है और इसकी भी हो सकती है, तो मे बी of its own light, or maybe not, ये इसकी अपनी light भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन object क्या है कि जो light को diverge करेगा, जैसे हमने एक example अभी just लिया था, क्या कि ये object रखा हुआ है। इसे object क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है। दिखाई क्यों दे रहा है, क्योंकि ये जो बल्ब से लाइट रे आ रही है, इस लाइट रे को बेटा ये क्या कर रहा है, इस लाइट रे को ये रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, इसलिए मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस आदमी को तो ऐसा लग रहा है ना कि ये रेज ऑफ लाइट कहां से आ रही है, ये रेज ऑफ लाइट यहां से आ रही है, तो जहां से आ रही है वो क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या दूसरा मैं कह सकता हूं कि भाई ये रे ऑफ लाइट जो है वो इस आदमी के लिए इस बल्ब से आ रही है, तो ये बल्ब इसके लिए क्या हो गया बेटा, ये बल्ब इसके लिए एक ऑब्जेक्ट हो गया, यानी अब इसको दिखाई दे रहा है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट है या वो चीज है जहां से रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज होती है। ये रेज ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट की खुद की भी हो सकती है और हो सकता है कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा हो, जैसे इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है और इसमें डायरेक्ट इसी की रेज ऑफ लाइट आ रही है। समझ में आया, तो फिजिक्स में ऑब्जेक्ट का मतलब यह है कि जहां से रेज ऑफ लाइट क्या करे, डाइवर्ज करे, ठीक है। एनीथिंग विच डाइवर्जेस रेज ऑफ लाइट, लिख दे रहा हूं, चलो यहां रेज ऑफ लाइट, मे बी ऑफ इट्स ओन लाइट और मे बी नॉट, नहीं भी हो सकता, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो दो तरह के होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। 10th क्लास में सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट की बात हुई थी, तो अभी मैंने जो ये बताया है ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये रियल ऑब्जेक्ट है बेटा। कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये रियल ऑब्जेक्ट की, चलो मैं यही लिख दे रहा हूं, रियल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। अच्छा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फिर क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब मैं कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर आपको पढ़ाऊंगा फिर बताऊंगा कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिलहाल अगर 10th क्लास में आपसे कहा जाए ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है कि वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा, रियल ऑब्जेक्ट होगा, मतलब जो हमने यहां पर पढ़ा है, सही है, ठीक है।
तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा इमेज की, किसकी बात करेंगे, इमेज। चलो अब इमेज देखते हैं, इमेज क्या, मैं एग्जांपल लेता हूं उससे बात समझ में आएगी आपको कि इमेज क्या है। देखो मैं एक मिरर ले लेता हूं यहां पर, इस मिरर को मैंने कह दिया कि साहब ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर को हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। प्लेन मिरर क्या है, एक प्लेन सरफेस है, उसका एक सरफेस को, एक फेस को मैंने पॉलिश कर दिया, उसको हम प्लेन मिरर बोलते हैं। या आप कहोगे जो हम रोज देखते हैं वो कौन सा मिरर है, वो प्लेन मिरर है। ठीक है, मान लो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, यहां रखा हुआ है, यहां से रेज ऑफ लाइट आई, टकराई और टकरा करके साहब ये हमारी आंख में आई, ये आंख आई, ये रेज ऑफ लाइट आई टकरा के, ठीक है। अच्छा, एक रे ऑफ लाइट यहां से चली और ये टकरा के साहब यहां आई, ठीक है। इस आदमी की आंख में रेज ऑफ लाइट आ रही है, मतलब इसको कुछ तो दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रही बात, रेज ऑफ लाइट आ रही है, इसको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, इस आदमी को ऐसा लग रहा है कि ये रेज ऑफ लाइट जो है वो, मैं यहां बना दे रहा हूं, इस आदमी को ऐसा लग रहा है कि ये रेज ऑफ लाइट कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। हालांकि आ यहां से रही है, लेकिन इसकी आंखों को ऐसा लग रहा है कि लाइट कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। तो जहां से आती हुई लगती है उसको क्या बोलेंगे बेटा, इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, इमेज बोलेंगे। समझ में आया, इमेज का मतलब कि ये रेज ऑफ ऑब्जेक्ट यहां रखा था, ये रेज ऑफ लाइट आई, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के इसकी आंख में गई। अब ये भोली भाली आंख बेचारी, इसे ये नहीं पता है कि यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है, यहां पर, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि रेज ऑफ लाइट यहां से आ रही है, हालांकि पीछे कुछ भी नहीं है, एक भ्रम है। प्लेन मिरर में यही होता है ना, अपनी शक्ल देख रहे, पीछे जाके देखा कुछ भी नहीं। बच्चे ऐसा करते हैं अक्सर, बच्चों को आप मिरर दिखाओगे तो पीछे ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कोई है या नहीं, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं होता है। तो ये जो इमेज बनती है, ऐसी इमेज को हम लोग बोलते हैं बेटा वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं हम, वर्चुअल इमेज। समझ में आया कि जहां से रेज ऑफ लाइट आती हुई लगेंगी वो क्या कहलाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। और कौन सी इमेज, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल क्यों कहा गया, अभी समझाता हूं इसको, ठीक है। देखो एक इमेज हो गई वर्चुअल, सही, आपसे ये कहा गया है 10th क्लास में कि वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जिसको हम किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक। या मैं अगर बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं, इट इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइट सीम्स टू डाइवर्ज, यहां से आती हुई या डाइवर्ज होती हुई लग रही है, उसको मैंने इमेज बोल दिया, ठीक है। या 10th क्लास में आपसे कहा गया, इट इज द इमेज विच कांट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। जाहिर सी बात है कि अगर कोई स्क्रीन में लेकर के आऊं और मिरर के पीछे ऐसे लगा दूं, क्या मुझे इमेज दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी, क्योंकि मिरर के पीछे कुछ है ही नहीं, तो आप ऑब्टेन किस पर करोगे। समझ में आया, ये वर्चुअल इमेज हो गई। अब अगर मैं बात करूं यहां पर रियल इमेज की, चलो मैं यही यहां कर दे रहे, किसकी बात करें, रियल इमेज की। तो देखो रियल इमेज में होता क्या है कि मान लो यहां से एक रे ऑफ लाइट आई, आने दो, यहां गई, जाने दो, ये मिरर था। एक रे ऑफ लाइट आई, आने दो, रिफ्लेक्ट होकर के यहां गई, जाने दो। रिफ्लेक्शन के बाद ये जहां पर मीट करेंगी वो पॉइंट कहलाएगा आपका इमेज। और कौन सी इमेज, रियल इमेज, ठीक है। ये जो इमेज है बेटा, ये कौन सी इमेज कहलाएगी आपकी, ये कहलाएगी रियल इमेज। अब एक बात पर गौर करना कि अगर मैं कोई स्क्रीन लेकर के आऊं और इस स्क्रीन को यहां पर रख दूं, तो एक्चुअल में ये रेज ऑफ लाइट आई और यहां पर जब कन्वर्ज कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो इस स्क्रीन पर भी करेंगी, करेंगी कि नहीं। तो मैं किसी रियल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेंड कर सकता हूं,
ठीक है। तो रियल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। ये तो डेफिनेशन हुई 10th क्लास वाली, ठीक है। फिर ये कहा जाता है कि इमेज जो है रियल इमेज, इट इज अ पॉइंट एट विच रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्शन की बात जब मैं आपको लेंस पढ़ाऊंगा तब होगी, ठीक है। तो ये बात हुई साहब रियल इमेज की, ये बात हुई किसकी, वर्चुअल इमेज की। रियल इमेज को मैं किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकता हूं। तो जो आप सिनेमा हॉल में आप मूवी देखते हो ना स्क्रीन के ऊपर, तो उसमें कौन सी इमेज होती है, उसमें रियल इमेज होती है। क्यों? क्योंकि वो स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा रही है। और मैं रोज घर में जो शीशा देखता हूं उसमें कौन सी इमेज होती है, उसमें वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट की, इमेज की, यानी वर्चुअल और रियल इमेज की, इनकी डेफिनेशन क्या क्या है वो यहां पर मैं अब लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखो भाई, ऑब्जेक्ट 10th क्लास में बात होगी, तो ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है कौन सा है, रियल है। लेकिन 10th क्लास में इमेज दो तरह की पढ़ाएंगे आपको, वर्चुअल और रियल। तो मैं इमेज के बारे में यहां लिख दे रहा हूं। पहले कौन सी पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज क्या होता है, सिंपल सी अगर हम बात करें तो वर्चुअल इमेज क्या होगा, देखो, इट इज अ पॉइंट फ्रॉम विच रेज ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्ज। देखो ये वो पॉइंट है जहां से रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज होती हुई लग रही है लेकिन हो नहीं रही एक्चुअल में, ठीक। ये डेफिनेशन किसकी हुई, वर्चुअल इमेज की। जो 10th क्लास में हमें डेफिनेशन दी गई है इसकी, वो क्या है, देखो वो कहा गया है, इट कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन आई स्क्रीन। वो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं की जा सकती, कौन, वर्चुअल इमेज। अगर मैं रियल इमेज की बात करूं तो मैं रियल इमेज को यहां लिख दे रहा हूं कि रियल इमेज क्या होता है। देखो साहब, तो रियल इमेज के बारे में कहा जाता है कि इट इज अ पॉइंट एट विच रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट एक्चुअली कन्वर्ज, या इसको हम कह देते हैं एक्चुअली इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे टॉपिक, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जहां पर रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में कन्वर्ज करती है रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद। रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, रिफ्रैक्शन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। 10th क्लास में आपसे कहा गया है कि जो रियल इमेज है वो क्या है, विच इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सके वो इमेज क्या कहलाएगी, रियल इमेज, और जिसको नहीं कर सके वो क्या कहलाएगी, वर्चुअल इमेज कहलाएगी। क्लियर है बात, ठीक। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी क्या क्या सीखा, हमने सीखा साहब ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं रियल और वर्चुअल। हमने कौन सा वाला पढ़ा, हमने रियल वाला पढ़ा। इसी तरह से इमेज क्या होता है, इमेज दो तरह के होते हैं, एक होता है वर्चुअल इमेज और एक होता है रियल इमेज। हमने दोनों इमेज यहां पर पढ़े हैं, ठीक है। हमने रियल भी पढ़ा और हमने वर्चुअल भी पढ़ा, दोनों इमेज हमने पढ़ ली, ठीक है।
देखो जी, अब बात हम लोग जो करेंगे वो बात करेंगे बेटा प्लेन मिरर की। ठीक, प्लेन मिरर की कुछ खूबियां हैं, कुछ खास बातें हैं जो आप लोग को बतानी होती हैं, जो आप लोग को बताई गई हैं किसमें, टेंथ क्लास में। क्या कि पहली चीज़ तो ये प्लेन मिरर होता क्या है, तो मैंने बताया कि प्लेन मिरर क्या होता है बेटा, एक प्लेन सरफेस होता है उस वन सरफेस इज सिल्वर, जिसको इसकी एक सरफेस को हमने क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया। जैसे अगर मैं बात करूं ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है और इस ग्लास की दो सरफेस आपको दिखाई दे रही है, मैंने इस वाली को क्या कर दिया, सिल्वरिंग कर दी इसके पीछे, तो ये एक मिरर बना। और मिरर क्या है साहब हमारा, कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है, क्योंकि सरफेस क्या है, प्लेन सरफेस है। हम और तरह के भी मिरर पढ़ेंगे लेकिन आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा, प्लेन मिरर की कर रहे हैं। चलो उसके बाद ये कैसी इमेज बनाता है, ठीक, तो हम लिखते हैं इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। मतलब अगर मैं किसी प्लेन मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखता हूं, मान लो एक्स डिस्टेंस पर रख रहा हूं, तो ये जो इसकी इमेज बनाएगा वो इसकी एक वर्चुअल इमेज बनाएगा, और वो कितनी दूरी पर होगी, वो इसकी जो इमेज होगी बेटा वो होगी एक्स दूरी पर, यानी मिरर के पीछे उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर वो ऑब्जेक्ट उसके सामने रखा हुआ है। सेम साइज की बनाने का मतलब अगर इसकी हाइट एच है तो इसकी जो इमेज बनी है बेटा उसकी हाइट भी क्या होगी, एच होगी। ठीक है, तो ये जो इमेज बना रहा है वर्चुअल बना रहा है, और वर्चुअल के साथ साथ कैसी बना रहा है, इरेक्ट बना रहा है, मतलब सीधी। तो मैं यहां पर कह दूं कि जो इमेज बनाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, कैसी बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा। इरेक्ट मतलब क्या होता है बेटा, इरेक्ट मतलब सीधा। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो ये हुई किसकी बात, प्लेन मिरर की बात। प्लेन मिरर ऐसी इमेज बनाता है, अब ऐसी इमेज क्यों बनाता है, सीधी ही क्यों बनाएगा, वर्चुअल ही क्यों बनाएगा, ठीक है, सेम डिस्टेंस पर ही क्यों बनाएगा। तो देखो वर्चुअल कैसे बना रहा है वो तो ये बात यहां से क्लियर हो रही है कि साहब वर्चुअल इमेज बना रहा है, प्लेन मिरर है। सेम डिस्टेंस पर बनाएगा ये कैसे साबित करोगे, सेम डिस्टेंस पर बनाएगा इसके लिए मैं कह सकता हूं कि मान लो ये रे ऑफ लाइट आ रही है, ये क्या है हमारा, ये नॉर्मल है, ठीक, तो इस एंगल को अगर मैं थीटा बोलूंगा तो इस एंगल को भी क्या बोलूंगा बेटा, थीटा बोलूंगा। ठीक है, इसको अगर आगे एक्सटेंड कर दूं, इसको अगर आगे एक्सटेंड कर दिया तो ये थीटा, तो ये भी कितना, थीटा। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल आप बोलोगे सर ये एंगल हो गया आपका 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल भी क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। ये 90, ये 90, ठीक, ये दो एंगल क्या है, ये वाला और ये वाला एंगल बराबर, इसको मैं 90 माइनस थीटा बोल दे रहा हूँ। ठीक है, ये एक साइड बराबर है, तो एक साइड और दो एंगल बराबर है, इसका मतलब अगर मैं इन ट्राइंगल की बात करूँ, कौन कौन से ट्राइंगल की, इसकी और इसकी, तो इनके सब कुछ बराबर होंगे, सारी साइड बराबर होंगी, मतलब ये वाली साइड किसके बराबर होगी, इस साइड के बराबर। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो मैंने ब्लू से बनाया है ये है 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल भी कितना बेटा, 90 माइनस थीटा। तो यहां पर दो एंगल बराबर हो गए, और ये 90 और ये साइड बराबर हो गई, तो ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो इसमें मैं कह सकता हूं कि ये हो गया इसके बराबर, मतलब एक्स डिस्टेंस पर अगर रखी हुई कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज भी कहां बनेगी, एक्स डिस्टेंस पीछे ही बनेगी। ठीक है,
तो ये बात आप लोग नोट करोगे। बाकी चीज़ें इसकी जो हम प्रॉपर्टी है किसकी, प्लेन मिरर की, वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।